तो दोस्तों अब तक आज की डेट में अगर 10-15 हज़ार रुपए का जो प्राइस सेगमेंट होता है इसमें अवेलेबल ग्राफिक्स कार्ड्स की बात करें जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं गेमर्स के लिए, तो ऐसा कुछ भी खास अवेलेबल फिलहाल था नहीं। आपको एक सिर्फ 1050 Ti का ऑप्शन मिलता था, विच इज अ प्रीटी मच आउटडेटेड कार्ड। सो इसी गैप को फिल आउट करने के लिए AMD ने एक नया कार्ड लॉन्च कर दिया है। सो आज की इस वीडियो के लिए हमारे पास में है Radeon RX 6400। आज बात करेंगे इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, इसके परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे, जानेंगे किन किन लोगों को ये लेना चाहिए और किन किन सिनेरियोस में ये काम को ऑप्शन रह सकता है, किन किन सिनेरियोस में नहीं रह सकता। सो वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और कहीं मत जाइएगा, we will be right back। आज ही बाय करें अपने लिए परफेक्ट गेमिंग या फिर प्रोडक्टिविटी PC। विजिट करें www.techdreams.co.in और यहाँ पर जाकर आप चूज कर सकते हैं हमारे प्रीबिल्ट मशीन्स में से, या फिर किसी भी तरह की कस्टमाइजेशंस के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन आउटलेट को भी आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बाय करना चाहते हैं अपने लिए कमाल की प्राइसिंग पर विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 के प्रो रिटेल लाइसेंस, एंड वहां से जाकर UPI पेमेंट मोड्स के थ्रू आप अपने लिए आज ही इन चीजों को बाय कर सकते हैं। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। तो गाइस पर्टिकुलर मॉडल की वेरिएंट की बात कर ले जो मेरे पास आज की डेट में है इस वीडियो के लिए, तो ये है पावर कलर की तरफ से आने वाला उनका Radeon RX 6400 लो प्रोफाइल। अभी मोस्टली जितने भी ब्रांड्स का ये GPU आ रहा है, मतलब 6400 आ रहा है, उनके सभी के ग्राफिक्स कार्ड इंडिया में लो प्रोफाइल वेरिएंट्स ही आ रहे हैं। वो भले ही पावर कलर हो, वो सेफायर हो, वो गीगाबाइट हो, मोस्टली सभी ब्रांड्स के लो प्रोफाइल वेरिएंट्स ही आ रहे हैं। एंड मैं आपको जल्दी से एक बार जरा कार्ड दिखा देता हूं कि दिखता कैसा है। तो अभी इतना छोटा सा सिंगल स्लॉट लो प्रोफाइल सा कार्ड देखकर पहले मैं भी बहुत टर्न ऑफ हुआ था, बट वेट कहीं जाना मत, इसके जब आप बेंचमार्क्स देखेंगे तो आप भी मेरे जैसे जरूर शॉक हो जाएंगे। अगर आपको डिटेल में स्पेक्स रीड करने हैं तो एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जहां से जाकर यू कैन रीड द स्पेक्स इन डिटेल। बट कुछ जरूरी स्पेक्स की बात कर लें, जो मेजर स्पेक्स हैं उनकी बात कर लें, तो पहली बात तो ये AMD के RDNA 2 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। यहां पर आपको 4GB 64-bit GDDR6 VRAM जो है वो मिल रही है, और साथ ही साथ में इस कार्ड का जो पावर ड्रॉ है दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इस कार्ड का पावर ड्रॉ सिर्फ 53 वॉट्स का है, मतलब कि बहुत ही लो पावर वाला ग्राफिक्स कार्ड है। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों ये छोटा सा जो हीट सिंक दिया गया है ये भी इसका जो हीट डिसिपेशन है उसको मैनेज कर पा रहा है। तो इसी वजह से इतना कॉम्पैक्ट इसको बनाया गया है। ऑल्दो अब मैं अगर 16,000 रुपए खर्च रहा हूं तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि जो मेरा कार्ड है थोड़ा ड्यूअल स्लॉट सा दिखे, बड़ा सा दिखे। तो इफ AMD इज वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली वॉन्ट कि इसके जो स्टैंडर्ड वेरियंट्स हैं आप उसको भी इंडिया में लेकर आए, ताकि मेरा कार्ड भी जो है वो थोड़ा सा और एस्थेटिकली प्लीजिंग मेरे को लगे। इसी के साथ साथ दिस सफर्स फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम जो कि RX 6500 XT के साथ में थी, विच इज की इस कार्ड में भी आप जो है यहाँ पर X4 PCI लेंस का ही आपको सपोर्ट मिलता है, उसी पर ये कार्ड ऑपरेट करेगा। फुल X16 का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है इस कार्ड में भी। डिस्प्ले आउटपुट्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको एक HDMI एंड एक डिस्प्ले पोर्ट मिल रहा है। दो ही डिस्प्ले जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, मतलब कि आप ड्यूअल मॉनिटर सेटअप ही रन कर सकते हैं इस कार्ड में। टेस्टिंग के लिए मैंने इस कार्ड को पेयर किया है विद द इंटेल कोर i5-12400F प्रोसेसर अलॉन्ग विद 16 GB ऑफ DDR4 मेमोरी जो कि 3200 MHz पर क्लॉक्ड है, और उसकी RGB मेमोरी है ये। ऑल्दो ये 4400 MHz फ्रीक्वेंसी वाली है, बट मैंने 3200 पर ही अपनी मेमोरी की जो फ्रीक्वेंसी है उसको लॉक कर रखा है टू मेक इट मोर रियलिस्टिक, मोर लाइफ लाइक। एंड जितने भी गेम्स हैं वो सारे मेरी SSD पर ही स्टोर्ड है। बेंचमार्क्स पर नजर डालने से पहले दो बातें जल्दी से बता दूं। तो पहला पॉइंट ये है कि सभी जो गेम्स हैं वो 1080p रेजोल्यूशन पर ही टेस्टेड है। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट कि हम लोगों ने दो सेटिंग्स में टेस्टिंग करी है, आपको स्प्लिट स्क्रीन में दिख जाएगा। एक तरफ आपको लो सेटिंग्स पर जो लो प्रीसेट होगा गेम का वो दिखेगा, एक तरफ आपको जो गेम का हाई प्रीसेट होगा वो दिखेगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाईएस्ट और अल्ट्रा सेटिंग्स, एक लो प्रीसेट और एक हाई प्रीसेट, क्योंकि इससे ऊपर 1080p गेमिंग में अगर आप एक इस बजट का कार्ड खरीद रहे हैं इससे ऊपर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फॉर ऑब्वियस रीजंस। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के जल्दी से नजर डाल लेते हैं कुछ गेम बेंचमार्क्स की तरफ। ऑलराइट नाउ स्टार्टिंग विद शैडो ऑफ द टूम रेडर विच इज अ वेरी डिमांडिंग AAA टाइटल। यहां पर DirectX 12 इनेबल्ड है, 1080p रेजोल्यूशन है। लोएस्ट प्रीसेट की बात करें जो लो प्रीसेट गेम का इनबिल्ट है, वहां पर गेम के इनबिल्ट बेंचमार्क में हमको 95 FPS का एवरेज मिलता है, विच इज अ वेरी गुड नंबर। इसी के साथ जब हम लोग गेम की सेटिंग्स को जो है जो प्रीसेट को हाई पर सेट कर देते हैं, दिस इज नॉट अल्ट्रा, हाई प्रीसेट पर जब हम लोग सेट कर देते हैं तो जो FPS है वो एवरेज अपने को मिलता है 64 FPS का, विच इज अगेन वेरी गुड एवरेज। अभी भी 60 FPS से ऊपर है, विच इज डैम प्लेबल। इसके बाद वी मूव्ड ऑन टू वन ऑफ द फेवरेट टाइटल्स करेंटली, यहां पर वैलोरेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। वैलोरेंट भी 1080p पर टेस्टेड है। लो सेटिंग्स की बात करें तो यहां पर लो प्रीसेट पर अपने को 393 FPS का एवरेज मिल जाता है, विच इज क्रेजी। वहीं अगर हम लोग हाई प्रीसेट का भी यूज करें, अगर सेटिंग्स को हाई पर भी हम लोग सेट कर देते हैं तब भी वी आर
are getting an average of 371 FPS constantly, which is very much playable. अगर आप एक high refresh rate monitor भी pair करते हैं इस graphics card के साथ में, Valorant जैसे e-sports title को आप बहुत ही अच्छी खासी settings पर enjoy कर सकते हैं। अब जिस title की बात कर रहे हैं, this was very unexpected क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा heavy title है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं Watch Dogs Legion की। DirectX 12 enabled है, 1080p resolution है। अगर सारी settings को lowest पर set कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर किसी तरह की ray tracing on नहीं है, सारी settings lowest पर set है। अगर हम average की बात करें तो 64 FPS का अपने को average मिलता है, which is again very much playable। मतलब इस game को भी अगर आप settings रात में compromise कर सकते हैं तो आप easily खेल सकते हैं। वहीं अगर हम settings को high पर set कर देते हैं, again not ultra, these are high settings, अगर high settings पर set कर देते हैं तो 46 FPS का अपने को average मिलता है, which is again playable। इसको मैं बिल्कुल unplayable नहीं कहूंगा, ये playable है। और यहीं से एक point clear हो जाता है कि अगर इस card के साथ में आप किसी भी game को अच्छा experience बनाना चाहते हैं तो आप low और medium settings का एक combination use कर सकते हैं, कुछ गेम्स में आप हाई सेटिंग्स भी कर सकते हैं और वहां पर आप एक बहुत ही अच्छा खासा प्लेबल एक्सपीरियंस अचीव कर पाएंगे। इसके बाद में भी शिफ्टेड टू द नेशनल गेम ऑफ इंडिया जो कि है GTA 5, क्योंकि अभी तक बहुत लोग खेलते हैं। यहां पर भी 1080p रेजोल्यूशन है, शैडोज को खासकर हम लोगों ने AMD PCS पर सेट किया है। और यहां पर बात कर लें अगर नॉर्मल प्रीसेट की, तो GTA में आपको लो प्रीसेट नहीं मिलता, आपको पता होगा नॉर्मल प्रीसेट मिलता है। नॉर्मल प्रीसेट पर वी आर गेटिंग एन एवरेज ऑफ 160 FPS इनबिल्ट बेंचमार्क में, जो कि इनसेन है। इसी के साथ में जब हमने हाई सेटिंग्स पर सेट कर लिया, अभी जो सारी सेटिंग्स है अल्ट्रा नहीं है, दीज आर हाई सेटिंग्स, यहां पर 111 का अपने को एवरेज मिल रहा है, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा है। बैटलफील्ड 5 की बात कर लें, व्हिच इज अगेन वेरी डिमांडिंग गेम, यहां पर भी RTX जो है वो ऑफ है, रे ट्रेसिंग किसी तरीके इनेबल नहीं है। 1080p रेजोल्यूशन पर लोएस्ट प्रीसेट पर अपने को 124 FPS का एवरेज मिल रहा है, और वहीं हाई प्रीसेट की बात करें, हाई प्रीसेट पर अपने को 75 FPS का एवरेज मिल रहा है, व्हिच इज अगेन गुड। प्लस यहां पर आपको रेडियन सॉफ्टवेयर में ही कुछ और फीचर्स भी मिल रहे हैं, जिनकी मदद से क्या हो सकता है आपको समझा देता हूं। किसी गेम में लेट सपोज कि बहुत ज्यादा ग्राफिकली इंटेंसिव गेम है, आप जो है प्लेबल एक्सपीरियंस नहीं उस पर जो है अचीव कर पा रहे, तो उस केस में ये कार्ड जो है RSR सपोर्ट करता है। RSR मींस, RSR स्टैंड्स फॉर रेडियन सुपर रेजोल्यूशन, इसको आप जो है FSR का छोटा भाई भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली ड्राइवर लेवल टेक्नोलॉजी है, जो करेगी क्या कि अगर आप जो है अपने मॉनिटर का, आप लेट सपोज आप एक 1080p जो मॉनिटर है वो यूज करते हैं, तो मतलब आप 1920x1080 के बजाय अपना जो रेजोल्यूशन है उसको कम पर सेट कर सकते हैं, 1280x720 कर सकते हैं, एंड देन आप जो अपना ये RSR है इसको इनेबल कर सकते हैं और आपकी गेम भी सपोर्ट करनी चाहिए RSR को। तो उससे होगा क्या कि आप एक लोअर रेजोल्यूशन को अपस्केल कर सकते हैं हायर रेजोल्यूशन पर, जिससे आप अपने जो फ्रेम्स हैं उनमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर देखेंगे। तो अब दो फीचर्स जो आपको मिसिंग मिलते हैं इस कार्ड में, अगर आप एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जो पर्टिकुलरली गेमिंग और स्ट्रीमिंग दोनों चीजों के लिए है ना, तो इसका जो इनबिल्ट एनकोडर है आप उससे स्ट्रीमिंग जो है अच्छी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहां पर आपको रेडियन रिलिव सॉफ्टवेयर का सपोर्ट भी नहीं मिलता, सो दैट्स व्हाई अगर आप स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रेट अवे कार्ड रेकमेंड नहीं करूंगा। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर गेमिंग कार्ड, आप इस तरीके स्ट्रीम जरूर कर सकते हैं कि लेट सपोज जैसे कि आप ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं, आप एक कोर i5-12400F यूज कर रहे हैं या Ryzen 5 यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आप अपने OBS सेटिंग्स में जो है रादर देन अपने ग्राफिक्स कार्ड को ऐसा एनकोडर यूज करने के बजाय आप वहां पर CPU बेस्ड एनकोडिंग, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड X264 एनकोडिंग होती है, उसको यूज करके इस कार्ड के साथ में जरूर स्ट्रीम कर सकते हैं। बट एज अ GPU एनकोडिंग से आप कोई अच्छी स्ट्रीम जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब बात आती है कि यार फिर किसको लेना चाहिए, तो देखो प्राइसिंग की बात करें, ऑलमोस्ट अभी करेंटली 16,000-17,000 के प्राइस के आसपास जो है ये कार्ड मार्केट में रिटेल हो रहा है। तो ऐसे प्राइस पर कॉम्पिटिशन में और कोई ऐसा कार्ड नहीं है जो इस लेवल का आपको मतलब कि वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस दे। 1050 Ti था, बट जैसा कि मैंने बताया 1050 Ti बिलोंग्स टू वेरी प्रिटी ओल्ड टेक्नोलॉजी, बहुत आउटडेटेड कार्ड है। प्लस ये कार्ड जो है ऑलमोस्ट काफी सारे टाइटल्स में 1050 Ti से बेटर परफॉर्म करता है एंड बहुत सारे टाइटल्स में 1650 के नियर बाय ऑलमोस्ट आ जाता है, एंड 1650 की जो प्राइसिंग चल रही है वो आपको भी पता है क्या चल रही है। तो उन सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए अगर देयर इज एनी पर्सन जिसको सिर्फ गेमिंग के लिए 1080p गेमिंग के लिए कहीं सिस्टम बनाना है जिसपे आप कोई भी गेम खेलें, तो आपको सेटिंग्स कॉम्प्रोमाइज करके प्लेबल अच्छा खासा इंजॉयबल परफॉर्मेंस मिल जाए तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कार्ड, आपको उन मामलों में कार्ड जो है निराश नहीं करने वाला। बाकी दोस्तों आपके क्या विचार है इस कार्ड को लेकर और आपको कैसा लगा इसका परफॉर्मेंस और आपके हिसाब से किस टारगेट ऑडियंस के लिए ये एक परफेक्ट प्रोडक्ट रह सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को भी ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, टिल देन चीयर्स।